बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल पुलाव। के लिए हमने ले लिया ये गाजरें ले ली हैं, और ये तोरी थी ये ले लिए, मटर लिए, आलू गोभी और ये बीन्स हैं ये वाले ले लिए। और अब इसमें मैं डालूँगी क्या कहते हैं, थोड़ा सा चिकन भी डालूँगी। हड्डी वाला पड़ा हुआ था चिकन, तो वो भी इसमें जाएगा। ये मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज है ये डालिए काट के, इसमें थोड़ा सा इसको ब्राउन कर लें हम। ये नमक मिर्चें हैं, मसाले है। और ये मैं पी रही हूँ लस्सी, अभी हमने बनाई है ठंडी, मेरी बहू ने बनाई है लस्सी हमारे लिए। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, अमेरिका में भी। सब्जियाँ मैंने धो के सारी रखी हैं काट के, फिर साथ ही डालूंगी इसमें ये दो कड़ी, ये कड़ी पता नहीं है, ये तेज पात है इसको बोलते हैं, चावलों में बड़ी अच्छी स्मेल होती है इसकी। साथ ही मैं अब डाल दूंगी नमक, 1 टेबल स्पून में नमक डाल रही हूँ, 1½। आलू पहले डालूंगी, जो आलू को टाइम लगता है, बाकी सब सब्जियां एंड में डालूंगी। और इसमें डालूंगी कुटी हुई मिर्चें ये वाली, ये बच्चे करारे खाते हैं, 2 टेबल स्पून में डालूंगी, 2 टेबल स्पून। लहसुन नहीं डाल रही मैं, और 1/2 टीस्पून में काली मिर्चें डाल रही हूँ, और 1 टेबल स्पून में ज़ीरा डाल रही हूँ इसमें। ये वाले 2 गिलास मैंने डाले हैं चावल, और 3.5 गिलास पानी बनता है, लेकिन 4 गिलास डालूंगी क्योंकि चिकन डाला है आज, पहले यखनी नहीं बनाई चिकन के लिए, इसलिए 1/2 गिलास ऊपर डालूंगी, पूरे 4 गिलास। चिकन हमारा भुन गया, अब मैं आलू डालने लगी हूँ इसमें। आलू फिर पहले डाल दूँ कि गल जाए अच्छी तरह, थोड़े सख्त हैं आलू। और इधर भून के बस पानी डाल देंगे अब इसमें। ये भून गया हमारा, बस अब मैं पानी इसमें डालने लगी, मैं अच्छा रंग निकला है ब्राउन से। पानी डाल दिया 4 गिलास में, बस अब इसको ढक के रख रही हूँ, पानी को उबाल आएगा तो फिर सब्जियाँ डालेंगे। पानी को उबाल आ गया, 5 मिनट और इसको पकने देंगे तो फिर इसमें वो चावल ऐड, पहले सब्जियाँ ऐड करूँगी फिर चावल ऐड करूँगी। चलें जी, अब मैं ऐड करने लगी हूँ सारी सब्जियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले गाजर डाल रही हूँ, मिक्स ही हैं सारी।
थोड़ी मोटी मोटी मैंने काटी हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं काटी हूँ। अब मैं ये डालने लगी हूँ तोरी, इधर की तोरी है ये, मतलब बिल्कुल टिंडे की तरह ही होती है तोरी ये। हमारे वहाँ की तोरी डिफरेंट होती है, इधर की डिफरेंट है। बस सारी सब्जियाँ डालूंगी, मिक्सी में डालने लगी हूँ। सब सब्जियाँ मैं डाल दी हैं मैंने। साथ ही मैं चावल डालूंगी क्योंकि फिर सब्जी मैंने ज़्यादा गलानी नहीं है, ये साबुत साबुत ही हों सब्जियाँ। साथ ही इसके चावल भी डालने लगी हूँ, इन्हें चावल भी डाल दिए हैं साथ ही, कि इसलिए डालें कि सब्जियां ज़्यादा गलाऊंगी नहीं मैं, साबुत साबुत रहे हैं सब्जियां ना इसी तरह। बस अब इसको हम ढक देंगे, पानी सूखेगा तो दम पे लगा दूंगी मैं। और दो तीन हरी मिर्चें डालूंगी, याद ही नहीं रहा मुझे डालने का। चावल मिक्स करके हरी मिर्चें तीन डाल दी हैं, इसको ढकने लगी हूँ। थोड़ा सा मैंने कलर किया है, ये घोल लिए कलर इसमें पानी में, दाल आ गई इसमें, मैं चला दूँ ऊपर नीचे कर दूँ सब्जी में। माशाल्लाह देखें कितने प्यारा कलरफुल बना ये। मिर्चें थोड़ी कम ही रखी हैं, पानी है बीच में, पानी सूखने दो फिर मैं दम पे लगाऊंगी इसको। काफ़ी पानी है इसमें, कलर में मैंने थोड़ा दूध ऐड कर लिया इसमें। चावल बस हल्का सा पानी रहता है, बस अब मैं दम पे लगा दूंगी क्योंकि तो कच्चे हैं। चावलों को मैं अब दम पे लगाने लगी हूँ। दम पे लगा दिए चावल में, कलर डालने की याद ही नहीं रही तो अभी मैं डाल देती हूँ। थोड़ा सा कलर डालेंगे तो थोड़ा खूबसूरत लगेगा पुलाव। बस इतना डालना, दोबारा से दम पे लगाने लगी हूँ 5 मिनट के लिए। बस रेडी है हमारा पुलाव, चावल हमारे रेडी हो गए हैं। अब मैं दम करने लगी हूँ, देखिए माशाल्लाह इतना प्यारा कलरफुल, थोड़ा सा कलर डाला है इसके साथ, थोड़ी सा अच्छी मतलब लुक लग रही है इसकी। चाव हमारा रेडी हो गया है, देखें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।